दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव हा दरबार लगा के पुलिस कर्मी मन के समस्या ल सुनिस अउ ओकर जल्द निराकरण के बात घलोक कहिस। देखो दंतेवाड़ा ले हमर डिजिटल रिपोर्टर मुकेश श्रीवास के रिपोर्ट। दंतेवाड़ा पुलिस कल्याण और कर्मचारी मन के मांग मा एसपी हा हेडक्वार्टर में सुझाव भेजे है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस कर्मी मन ला हफ्ता में एक दिन के छुट्टी के बजाय महीना में 4 दिन एकमुश्त छुट्टी दिए जाही। आवास लोन, परिवार के लइका मन ला फ्री कोचिंग, लंबा अरसा ले नक्सली क्षेत्र में रहे वाला कर्मी मन ला उखर गृह जिला में भेजे बर पुलिस मुख्यालय ला सुझाव भेजे जाही। एसपी के दरबार ले पुलिस कर्मी मन ला चिकित्सा के सुविधा और आवास के सुविधा मुहैया कराए जाही। आउ यदि कोई प्रकार के दिक्कत और कोनो परेशानी रहे मा एसपी ले स्वयं जाके मिल सकता, वो परेशानी के तुरंत निराकरण करे चाहिए। हमारे जिले में तो मेरा ऑफिस हमेशा खुला रहता है, डेली कम से कम 30 से 40 पुलिस कर्मी आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, उनके परिवार कर्मी भी आते हैं और उसका त्वरित जो है उसका जो है निष्पादन किया जाता है। मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूँ कि पुलिस, हमने आज दरबार में बताया कि जो भी पुलिसकर्मी को जब भी प्रॉब्लम हो वो एसपी ऑफिस आ सकते हैं, उनकी जायज मांगों पर विचार करके त्वरित उस पर डिसीजन लिया जाएगा और जिससे कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। मैंने जो 6 सदस्यीय टीम बनाई है डीआईजी नेहा चंपावत मैडम की अध्यक्षता में और उन्होंने हर जिले से सुझाव मांगा था, इसी तारतम्य में आज दंतेवाड़ा जिले में दरबार लगाया गया जिसमें सारे थानों से 3 से 5 पुलिसकर्मी, डीआरजी के पुलिसकर्मी, पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी और एसपी ऑफिस और बाकी एसटीओपी ऑफिस के कर्मचारीगण आए थे। उनसे बात में नक्सल एरिया को देखते हुए कुछ बिंदु आए, जैसे कि साप्ताहिक छुट्टी अंदर के थानों में देने से जो छुट्टी में लोग आएंगे हर हफ्ते डेली लोग निकलेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो हमने एक सजेशन दिया है कि अंदरूनी नक्सली क्षेत्रों में 1 महीने में 4 दिन की एकमुश्त छुट्टी दी जाए।